हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। दैट इज प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसीज कब आती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, इसके अलावा इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है, रिटन एग्जाम होता है नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है या नेट क्वालिफाई नहीं किया है, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर तो नेट क्वालिफाई को ही रखा जाता है, लेकिन कई कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर विदाउट नेट भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप विदाउट चीटिंग किए हुए, ईमानदारी से पूरी वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो डेफिनेटली एक चीज़ समझ में आ जाएगी और आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको नेट से रिलेटेड प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड जितने भी तरह के ऑथेंटिक अपडेट आते हैं मैं देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल पे हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं कंप्लीटली फ्री में, आपको क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो आज शाम को 8 बजे क्लास आएगी, और इससे पहले क्लास नंबर 58 से पहले मैं 4 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के विनर बैच देखोगे तो वहाँ पे आपको सभी क्लासेस दिख जाएंगी। यहाँ पे गाइस अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे, यहाँ यहीं पे आपको दिख जाएगा विनर बैच 2023। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जो क्लासे हैं कम्प्लीटली फ्री में यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, आप इन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और शाम को 8 बजे क्लास आएगी तो आप इस चैनल पर आ जाना, शाम को क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसीज कब आती हैं और कैसे पता चलता है कि प्राइवेट कॉलेज में वैकेंसी आई हुई है और कैसे अप्लाई करते हैं वहां पर। तो देखो गाइज, प्राइवेट कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आती हैं, उस तरीके से प्रॉपर तरीके से नोटिस नहीं आता है। क्योंकि जब आप प्राइवेट, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, तो उसके जो नोटिस होते हैं वो एडवर्टीजमेंट निकाले जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती हैं। इसके अलावा जो उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलता है, और सभी जगह यूट्यूब पर, अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, हर जगह आपको गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से समझा दिए जाते हैं कि नोटिस आ गया अप्लाई कर दो। लेकिन प्राइवेट की बात कोई नहीं करता। अब कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट में वैकेंसी आई है नहीं आई है? देखो गाइज, वेडनेसडे को हर एक वीक में वेडनेसडे वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो मैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, टाइम एसेंड करके एक न्यूज़पेपर आता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेडनेसडे जो जॉब्स निकलती हैं। इसमें जनरली जो टीचिंग पोस्ट है उसको यहाँ पर ज़्यादातर दिखाया जाता है, बाकी अदर पोस्ट भी आती हैं यहाँ पर, जितनी भी पोस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो की है, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल ट्रेनर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई 2 अगस्त 2023, अभी रिसेंट जो अभी लास्ट वेडनेसडे था। तो यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसीज को आप गो थ्रू कर सकते हो कि हर एक वेडनेसडे को वैकेंसीज का जो है पब्लिकेशन किया जाता है, प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस होते हैं आप इनको इस तरीके से सर्च कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं वेडनेसडे को नहीं देख पाता, कोई दिक्कत रहती है, आप मैं सर्च नहीं कर पाता, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को सिंपल जहां पे भी आप रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, वहां पे सर्च करो इस तरीके से प्राइवेट कॉलेज इन गाजियाबाद। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज इन मुंबई, प्राइवेट कॉलेज इन जयपुर, या प्राइवेट कॉलेज इन लखनऊ, इस तरीके से जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में आप रहते हो उस तरीके से वहां पे सर्च करो। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। सपोज करो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जूलेज करके जो वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे जितने भी गाजियाबाद में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे AKG है, ITS डेंटल कॉलेज है। इसके अलावा आप देखेंगे गाजियाबाद में जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी कंप्लीट लिस्ट निकल के आ जाएगी यहाँ पर। इनमेंटेक हो गया, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ IME करके एक इंस्टीट्यूट है, देन मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, IMS गाजियाबाद हो गया, ITS गाजियाबाद, जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस जयपुरिया, ठीक है। तो एक कंप्लीट लिस्ट निकल के आ जाएगी आपके सामने, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी जबकि नीचे जो कि चलती रहेगी नीचे तक। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर वैकेंसी है और कहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है? देखो गाइस सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो आप उसके लिए क्या करो, यहाँ पर IMS गाजियाबाद जैसे लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँ उसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा गूगल पे सर्च करेंगे IMS गाजियाबाद। अभी सर्च करेंगे इस कॉलेज का नाम, इस कॉलेज की वेबसाइट आएगी निकल करके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे आपको करियर वाला ऑप्शन दिख जाएगा या कॉन्टेक्ट अस वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा।
तो सपोज करो मैंने यहाँ पे देखा कॉन्टेक्ट अस करके लिखा हुआ है, एक तो ये मैंने देख लिया यहाँ पर। इसके अलावा हम देखेंगे नीचे की तरफ, शायद कहीं मुझे करियर वाला ऑप्शन भी दिख जाए। तो अगर करियर वाला, हाँ आप देखेंगे यहाँ पर देखो करियर वाले एक अलग से टैब बना हुआ है और ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट पे होता है, किसी किसी पे आपको नहीं मिलेगा, किसी किसी पे ओनली कॉन्टेक्ट अस करके लिखा होगा, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। करियर वाले पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जैसे मैं इस टैब में क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दिख जाएगी जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज, यहाँ पर आप जो है न्यूज आ रखी है जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पर तीनों पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, और सभी के लिए यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर एलिजिबल नहीं हो तो अप्लाई मत करना। आप देखो यहाँ पर आपको फॉर्म भी दिख जाएगा फैकल्टी पोजीशन के लिए कि यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके का आपको फॉर्म दिख जाएगा, या फिर कोई ईमेल आईडी दिख जाएगी, या फिर आपको कोई मोबाइल नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप देखो जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख गया कि ये फॉर्म है यहाँ पर फैकल्टी पोजिशन के लिए, तो अब यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आगे से कॉल बैक आ जाएगी, जो एचआर होते हैं कॉलेजेस के, वो खुद ही कॉल बैक कर लेते हैं अगर आपको प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको जैसे आईएमएस का समझाया, सपोज करो मैं आईटीएस का समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे सपोज करो आईटीएस का मुझे सर्च करना है, तो मैं आईटीएस सर्च करूंगा यहाँ पर, और आईटीएस जो कॉलेज है गाजियाबाद में, इसको सर्च करने के बाद इसकी वेबसाइट पर मैं जाऊंगा। इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको यहाँ पर या तो कॉन्टेक्ट अस को सर्च करना है या फिर सर्च करना है अबाउट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस या फिर करियर वाले टैब को देखना है। तो मैंने नीचे आके देखा तो यहाँ पर कोई करियर वाला टैब मुझे नहीं दिख रहा है, और अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये ईमेल आईडी, देख सकते हो, recruitment@itsgzb, मतलब गाजियाबाद। तो यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी दे दी गई जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, आपका जो अपडेटेड सीवी है, क्या मैंने कहा अपडेटेड जो सीवी है उसको आपको इस वाली ईमेल आईडी पे मेल कर देना है, और जो उसका अपडेटेड सीवी का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आप लिख देना कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से, और उसमें अपना जो अपडेटेड सीवी है वो पीडीएफ फाइल में सेंड कर दे। वैसे मुझे यहाँ पर करियर वाला टैब भी दिख गया, आप यहाँ पे देख सकते हो करियर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं इस करियर वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं गाइस यहाँ पर करियर वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी कुड नॉट फाइंड यू एनी जॉब, नो जॉब्स आर पोस्टेड राइट नाउ, अभी कोई पोस्ट नहीं निकली हुई है। सो हाउएवर प्लीज ड्रॉप योर प्रोफाइल थ्रू ड्रॉप सीवी ऑन दिस पेज सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू इन केस वी हैव एनी जॉब ओपनिंग मैचिंग योर प्रोफाइल इन द फ्यूचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक आपको ईमेल आईडी दे दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप अपना मेल कर सकते हो जो भी आपका आपकी अपडेटेड सीवी है, ताकि जब भी फ्यूचर में जॉब निकले वो आपको खुद ही वहां से कांटेक्ट कर ले। तो इस तरीके से एक प्रोसेस रहता है, आप इनको आगे से कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको उनको खुद की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इस लिस्ट पे आने के बाद जिस भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, जिस भी कॉलेज में आप जॉब करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कोई बात नहीं, आप 15-20 कॉलेज में की लिस्ट निकालो और हर जगह अप्लाई कर दो। जहां जहां पे भी आप अप्लाई करोगे कोई ना कोई आपको आगे से कॉल करेगा, और जब आगे से कॉल आएगी तो वहां पर इंटरव्यू देने चले जाना, ठीक है। अब मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सैलरी किस तरीके से रहती है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में एक रूल होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है प्राइवेट तरीके से सैलरी देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज कि कॉलेज जो है वो कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा कॉलेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है वहां पर, तो उस केस में सैलरी जो है आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और छोटा कॉलेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं वहां पर, तो आपको सैलरी कम मिलेगी, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज को तो सैलरी अपने स्टूडेंट्स की फीस से ही देनी पड़ती है। इस वजह से ये मैटर करता है। और सेकेंड जो मैटर करेगा दैट इज योर क्वालिफिकेशन, कि आप या पीएचडी होल्डर हो या पीएचडी नहीं है आपकी, नेट क्वालिफाई हो या नेट क्वालिफाई नहीं हो, प्लस आपको कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, कैसे हो, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। तो दोनों चीजें मैटर करेंगी कि प्राइवेट कॉलेज कितना बड़ा है और कितना छोटा है, या फिर आपका खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको सैलरी मिलती है, कंप्लीटली नेगोशिएबल होती है, आप नेगोशिएट कर सकते हो सैलरी, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। हो सकता है कि आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाए, 50 से 60 हज़ार, 80 हज़ार के आसपास सैलरी भी मिल सकती है आपको, और कम से कम सैलरी भी मिल सकती है 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार के आसपास सैलरी भी वेरी कर सकती है। तो कम से कम सैलरी, ज्यादा से ज्यादा सैलरी भी आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना बड़ा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर कितने पढ़ते हैं। मैंने आपको सैलरी के रिगार्डिंग बता दिया। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है, जनरली इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम
और डेमो, ये तीनों चीजें जनरली आपसे ली जाती हैं। सबसे पहले होता है आपका रिटर्न एग्जाम, सबसे पहला स्टेप ये होता है रिटर्न एग्जाम में। कोई ऐसा नहीं होता कि 3-4 घंटे का रिटर्न एग्जाम होगा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का, 30 मिनट के आसपास आपका रिटर्न एग्जाम होगा, छोटा सा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, आपको उनका आंसर करना पड़ेगा, और देन आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी जो भी एचआर होंगे उनको। फिर कॉपी की चेकिंग होगी, अगर आप पास हो जाते हो रिटर्न एग्जाम में, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो है आपके एचआर होंगे, इसके अलावा एक एक या दो फैकल्टी हो सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो फैकल्टी मेंबर होंगे, प्लस हो सकते हैं कि प्रिंसिपल भी आपके उस कॉलेज के उसमें शामिल हो। तो 4-5 लोग जो मिलकर के आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाता है, देन आपका डेमो होगा। डेमो जो है आपको हो सकता है कि इन लोगों के सामने ही डेमो देना पड़े, 4-5 लोगों के सामने ही आपको डेमो देना पड़े। कोई भी टॉपिक जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आपको बताएंगे कि आप इस टॉपिक को ही पढ़ाओ जो मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है आप उसको पढ़ा सकते हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपको क्लास में लेकर के जाकर डेमो दिलवाया जाए। वैसे इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं कि क्लास में लेकर के जाए फिर डेमो दिलाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि एचआर और जो फैकल्टी मेंबर है उनके सामने ही आपका डेमो हो, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो है इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है। आई होप आपको मैंने सभी क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं। आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इस वीडियो से आपको बिल्कुल भी 1% भी फायदा हुआ है तो लाइक करके जितने भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी का फायदा हो। जैसे आपको फायदा मिला है चीजों को समझ के, वैसे सभी का फायदा करिए। जितने जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पर शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा गाइज, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। एग्जाम टारगेट बेस्ड का मतलब होता है कि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को कवर किया जाए। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। और इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।